तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज जो एक साधना लेकर के आए हूं, यह एक बहुत ही उग्र साधना है और तामसिक साधना है और अच्छी साधना नहीं है। अच्छी का मतलब है कि यह परोपकार नहीं करता, यह भला नहीं करता है, यह सिर्फ केवल बुरा करता है और यह ऐसे के ही पास में सिद्ध होता है जो खुद भी बुरा रहता है। जो पूरी तरह से भ्रष्ट आदमी हो उसी को ही यह सिद्ध होता है। यह सबसे ज्यादा कामी कहा जाता है, उग्र होता है, तीव्र होता है, तीव्र होता है। तो ऐसी शक्ति है, इसे बोलते हैं पिशाच। पिशाचों के बारे में शायद आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पिशाच गंदी शक्तियों में आते हैं, तामसिक और उग्र शक्तियों में आते हैं। पिशाच आसानी से किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, सिद्ध हो जाता है अगर साधक पूरा हटी हो तो ही ये सिद्ध होता है। और सिद्ध होने के बाद में उसे दोस्त बना लेता है, दोस्त बना करके फिर उसकी हर तरह की अच्छी बुरी हर तरह की मंशा को पूरी करता है। बस पिशाच कभी भी किसी का भला नहीं करता। साधक के लिए वह सिर्फ किसी को भी मारने के लिए आप इसे भेज दीजिए, किसी को परेशान करने के लिए आप इसे भेज दीजिए, किसी का आप अहित करवा लीजिए या गंदे काम आप इसे करवा लीजिए, इसी काम के लिए ही सिर्फ पिशाचों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, पिशाच सबसे अच्छा जो एक काम करते हैं वो करते हैं रखवाली करने का। आप इन्हें अपने घर पर, खेत पे, दुकान पर, कहीं पर भी आप इसे रखवाली के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं और रखवाली में ये जबरदस्त होते हैं। जिस जगह आपने जिस काम को आप इसको सौंप दोगे यह काम करके ही आता है, कभी भी खाली हाथ नहीं आता। पिशाच इस मामले में बहुत ही जबरदस्त और ताकतवर सत्ता है। पिशाच जो है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि इसकी जो साधना है इनसे कभी भी अच्छे काम नहीं लिए जाते और आपको भी उसी तरीके से ही दुर्गुण तरीके से ही रहना पड़ेगा। आप इसे सात्विक तरीके से या जो ऐसे लोग हैं जो बेदपाठी हैं, कर्मकांडी हैं, उन लोगों को ये पिशाच की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों से स्पष्ट रूप से इस चीज के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप बेदपाठी हैं या आप शुद्ध रहते हैं या आप बहुत ही ज्यादा साफ शुद्ध और सत्वगुणी विचारों वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए यह साधना नहीं है। यह केवल मनोविकार वाले व्यक्ति के लिए ही है जो हर तरह से कुत्सित हो, या यह विद्या लास्ट का हथियार होता है। जब चारों तरफ से कुछ रास्ते समझ में नहीं आते हैं तब लोगों को खबीज करने चाहिए, पिशाच करने चाहिए, चंडाल करने चाहिए। ये तीन एक ऐसी कौमें हैं, एक ब्रह्मराक्षस और होता है, ये तीन चार कौम ऐसी हैं कि इन्हें आसानी से इतना बंधन में डाला जाता है, ना ही इन्हें कोई शक्तियाँ आसानी से रोक पाती। इन्हें करने के बाद में ये साधक को बहुत असीमित ताकत देते हैं और बहुत ही ज्यादा साधक इनसे चमत्कार दिखा सकता है। रखवाली का काम बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं खबीज से, हिसाब से, बहुत कुछ। ऐसा कुछ जो मैं आज यहाँ वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, हमारी कुछ बोलने की एक लिमिटेशन होती है। तो आप हमसे पर्सनल में अगर आप हमसे इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, तो हम आपको बहुत सी बातें आपको इसके बारे में बता सकते हैं। तो हम जो पिशाच की जो आपको साधना दे रहे हैं, ये साधना जो भी भाई करना चाहता हो, जिसकी दिलचस्पी हो, वो हमसे साधना का विधि विधान ले सकता है, करवा सकता है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।